लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने देश के 8 राज्यों के लिए इलेक्शन कमेटी का गठन कर दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, नागालैंड और मणिपुर के लिए चुनाव कमेटी की घोषणा शनिवार को कर दी गई। मध्य प्रदेश की इलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी जीतू पटवारी को सौंपी गई है। वहीं राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा पर पार्टी ने भरोसा जताया है। उधर तेलंगाना में चुनाव समिति के अध्यक्ष के लिए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को चुना है। इन कमेटियों का मुख्य काम अपने अपने राज्यों में पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की जिम्मेदारी निभाना होगा। इसके अलावा पार्टी ने चुनाव के लिए सेंट्रल वॉर रूम और प्रचार समिति का भी गठन किया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस राज्य में किसे जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें, राजस्थान में चुनाव समिति का अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को चुना गया है और वहीं अशोक गहलोत, सचिन पायलट और जितेंद्र सिंह जैसे बड़े नेता समिति में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को चुनाव समिति का अध्यक्ष चुना गया है। वहीं समिति में शामिल बड़े चेहरों की बात करें तो दिग्विजय सिंह, कांतिलाल विवेक तनखा, सुरेश पचौरी भूरिया और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल हैं। केरल की बात करें तो के सुधाकर को चुनाव समिति का अध्यक्ष चुना गया है। वही बड़े चेहरों में ए के एंटनी, के सी वेणुगोपाल, रमेश चेन्नीथला और शशि थरूर को शामिल किया गया है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को चुनाव समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो वहीं बीबी मल्लू, उत्तम कुमार रेड्डी और वी हनुमंत राव को समिति में शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो प्रतिभा सिंह को चुनाव समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और आनंद शर्मा को समिति में शामिल किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो दीपक बैज को चुनाव समिति का अध्यक्ष चुना गया है। वहीं भूपेश बघेल, डॉक्टर चरण दास महंत, टी एस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू को समिति में शामिल किया गया है। वहीं नागालैंड की बात करें तो एस एस जमीर को चुनाव समिति का अध्यक्ष चुना गया है, जबकि आशीष कुमार साहा को समिति में शामिल किया गया है। मणिपुर की बात करें तो के मेघचंद्र सिंह को चुनाव समिति का अध्यक्ष चुना गया है, जबकि इबोबी सिंह और पूर्व उप मुख्यमंत्री गई खंगम को चुनाव समिति में शामिल किया गया है। आपको बता दें, पार्टी ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए सेंट्रल वॉर रूम की भी घोषणा की है। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल वॉर रूम और कम्युनिकेशन वॉर रूम शामिल है। ऑर्गेनाइजेशनल वॉर रूम में लोकसभा चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर पार्टी के अहम फैसले और प्लानिंग का काम होगा। इसके चेयरमैन शशिकांत सिंधी होंगे, जबकि गोकुल बैतूल, नवीन शर्मा, वरुण संतोष और अरविंद कुमार को वाइस चेयरमैन बनाया गया है। वहीं कम्युनिकेशन वॉर रूम में पार्टी के नारे, सोशल मीडिया और प्रचार के समय मैसेजिंग को फाइनल करने जैसे अहम फैसले लिए जाएंगे। इसके चेयरमैन वैभव वारिया होंगे। उधर प्रचार समिति के लिए पार्टी ने अजय माकन पर भरोसा जताया है। इस समिति में केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश भी शामिल किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।